वेलकम टू क्रैश प्रोडक्शंस एवरीवन। आज हम हाथरस से सीधे आपके लिए लेकर आए हैं एक उम्दा रेसिपी जो कि है हाथरस की बहुत ही फेमस भेलपूरी। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि भेलपूरी कैसे बनाते हैं और ये है हमारे भैया जो कि भेलपूरी बनाकर दिखाएंगे। तो भेलपूरी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज लिया है और उन्होंने बहुत ही बारीक बारीक उस प्याज को डाल दिया है। अब इसमें लिया है आलू, ये कोई नॉर्मल आलू नहीं है कि बिना उबला हुआ ले लिया हो, ये है ग्रिल्ड आलू, मतलब इसको भुना गया है उसके बाद ये आलू इसमें यूज़ किया गया है। और इन्होंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ और ये इसके अंदर गया टमाटर। और अब ये इसके अंदर डालने वाले हैं कुछ फ्रूट्स, और फ्रूट्स में इन्होंने सबसे पहले लिया है एक बनाना जो कि इन्होंने इसको छीला है और इसको इसके अंदर छोटा छोटा काट कर डाल दिया है और ये हमारा बनाना भी इसके अंदर गया। अब ये लेने वाले हैं एक एप्पल और इन्होंने एप्पल को भी एक लिया और उसको छोटा छोटा काटा और ये भी इसके अंदर डाल दिया। ये बहुत ही टेस्टी भेलपूरी बनकर तैयार होने वाली है बहुत सारे फ्रूट्स और वेजीज के साथ। अब इन्होंने लिया है एक अनार और इनका बस अनार निकालने का स्टाइल देखिए, दो इसमें मारे और सारे के सारे अनार के दाने इसके अंदर। अब ये इसमें डालने वाले हैं चिरवे और ये कुछ नमकीन और इन्होंने इसके अंदर ये डाल दी है। अब ये गए चिरवे, चिरवे को लाई भी बोलते हैं काफ़ी जगह पर। और ये हुआ इसमें एक मिक्स, बहुत ही तगड़ा मिक्स था ये, इतनी जल्दी जल्दी इन्होंने कर दिया। अब इसमें गया टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला, नमक, अच्छा चिरवों का एक अलग ही मसाला आता है, इन्होंने ये यूज़ किया है इसमें। और अब इसमें डालने वाले हैं ये इसको चटपटा और खट्टा बनाने के लिए लेमन, और ये लेमन जूस भी इसके अंदर गया। और इसको फिर से इन्होंने दिया एक तगड़ा वाला मिक्स। और अब ये इसमें डालने वाले हैं चटनी शायद, और इन्होंने अभी चटनी नहीं डाली है, अभी ये इसमें दोने में कर रहे हैं। और ये रेडी हो गई हमारी भेलपूरी, अब इसको ये गार्निश करेंगे खट्टी चटनी से। और ये हो गया इसमें मीठी चटनी, बड़ी ही स्टाइल से इन्होंने डाली है। ये इसमें गया दही और ये इसमें गई एक छोटी छोटी बारीक वाली जो नमकीन आती है वो, और हरे धनिए से इसको कर लिया इन्होंने गार्निश। इसके ऊपर गए कुछ मूंगफली के दाने और ये हमारी भेलपूरी बनकर तैयार है।